السلام علیکم افروز لذیذ ذائقے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں باسی روٹیوں کی چکولی. یہ ایسی ڈش ہے جب ہمارے گھر میں کوئی سبزی نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, اگر روٹی بچی ہوئی ہو یا تو پھر ہم صبح میں ناشتے میں تو بناتے ہی ہے, اگر وہ بچ گئی ہو تو اس کی ہم چکولی بنا سکتے ہیں. یہ بہت ہی لذیذ ڈش ہے, آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے. इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें ये हैं. ये रोटी हमारी बची हुई, ये हमने आलू लिए एक छोटा, इसको बारीक हमने काट लिए, ज़ीरा, राई, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये ऑयल, टमाटर छोटे दो, नींबू, प्याज कटी हुई एक बड़ी, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, पुदीना, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई. ये हमने पैन रखे हैं गर्म होने ऑयल, इसमें हम पैन गर्म होने के बाद ऑयल डालते हैं. ये रोटी को हमने बारीक बारीक तोड़ लिए, ऐसे टुकड़े करना है इसके बारीक बारीक. ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ज़ीरा, राई, ये कड़ी पत्ता और ये प्याज अच्छी तरह से हम लाल कर लेते हैं. प्याज लाल हो चुकी है हमारी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड कर देते हैं. अब जो हमने आलू काटे थे बारीक, ये भी इसमें फ्राई कर देते हैं. इसको भी हल्का लाल होने दीजिए. ये हमारे प्याज आलू पक चुका है, अब इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, ये धनिया पाउडर. इसमें आप लोग कीमा या तो गोश्त वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मैं नॉन वेज वेज लोग के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारी ज़्यादा बहनें भाई वेज खाते हैं उनके लिए, और आप लोग चाहे तो गोश्त या कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हरी मिर्च, टमाटर को भी भून लीजिए अच्छी तरह, एक दो हरी मिर्ची कटी हुई वो भी ऐड कीजिए इसमें, इसे अच्छी तरह भून लीजिए. इसमें हम 2 गिलास पानी भी ऐड करते हैं. पानी पानी को अच्छी तरह पकने दीजिए, अच्छी तरह बॉईल होना चाहिए पानी. ये हमारा पानी पक चुका है, इसमें हम रोटी के टुकड़े पानी में भिगोते हैं थोड़ा. पानी में हल्का सा धो लेते हैं इसे, और इसमें पका लेते हैं. इसमें थोड़ी सी हरा धनिया ऐड करते हैं, पुदीना. अब इसको हम 5 मिनट पकने देते हैं अच्छी तरह, हल्की आंच पे इसे पका लेते हैं. ये हमारी तैयार हो चुकी है बासी रोटी की चकोली, इसे हम एक डिश में निकालते हैं. अभी हमारी तैयार है चकोली. जब हम लोग को समझ में कुछ नहीं आता है क्या पकाना है क्या नहीं, घर में सब्जी नहीं होती है, तो ये हमारा सालन का, सब्ज़ी का, सबका काम करता है. ये हमारी सब्ज़ी, सालन, सब चीज़ का काम करता है. इसमें हमको ना अलग से रोटी की ज़रूरत है ना सब्ज़ी की, हम सब मिक्स करके बना चुके हैं आप लोग दोपहर के ना खाने के लिए.
आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए मुझे डिश कैसी लगी है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।